आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। मानेसर लैंड डील मामले में सीबीआई का शिकंजा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कसता नजर आ रहा है। इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि आजकल रिवाज डेस्टिनेशन मैरिज का चल पड़ा है। उसी प्रकार से हुड्डा डेस्टिनेशन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन इनका डेस्टिनेशन है जेल, जहां इनको हर हाल में जाना होगा। अब इसी की घबराहट में ये गिर गए और पांव में चोट भी लग गई, क्योंकि घबराया हुआ आदमी अक्सर गिर ही जाता है। देखिए, आजकल रिवाज है डेस्टिनेशन मैरिज का, उसी प्रकार से हुड्डा साहब कर रहे हैं डेस्टिनेशन पॉलिटिक्स, और इनके डेस्टिनेशन है जेल। इनको जेल तो जाना हर हालत में। अब उसी की घबराहट में ये गिर गए और पैर में चोट भी आ गई इनकी। घबराया हुआ आदमी गिर ही जाता है, और उसी कारण से ये गिर गए वहां पर, तो जेल तो इनको जाना हर हालत में। वहीं विज ने करोड़ों के मानेसर जमीन घोटाले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका द्वारा सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाने पर विज ने कहा कि यह सीबीआई की कार्रवाई है। उसने कुछ लोगों को जो इस घोटाले में शामिल थे सरकारी गवाह बनाया है, और इसे अंजाम तक पहुंचाने की ये सीबीआई की रणनीति है। देखिए, मामले तो ड्रॉप किए हैं मान्य अदालत ने, और जो चलान पुट अप किया गया उसमें जो कुछ प्रोएक्टिव पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो अपने ऊपर के आकाओं को खुश करने के लिए कि हमने बहुत बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी, लेकिन उनकी जो प्रक्रिया थी वो पूरी नहीं की, इस कारण से कोर्ट ने उस धारा को हटा दिया। वहीं कांग्रेस की राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा द्वारा सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को झूठा व खोखला बताने और नारों को देश में बरगलाने के आरोपों का जवाब देते हुए अनिल विज ने कहा कि सैलजा को कहां बेवकूफ बनाया है। सैलजा हमारी सांसद हैं और हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं, वे भी किसी की बेटी हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पीएनबी घोटाले पर प्रहरी बताने वाले विज के रिकॉर्ड कभी झूठ नहीं बोलते। इस घोटाले का जन्म यूपीए सरकार में ही हुआ है, जिसे कोई झुठला नहीं सकता। विज ने कहा यदि उन्होंने कार्रवाई की होती तो ये आगे ही ना बढ़ता। राहुल गांधी क्यों नहीं इसका पर्दाफाश करते हैं? जब यह शुरू हुआ था तब इनके कौन से मंत्री ने इसे रोकने की कोशिश की? देखिए, जहां स्कैम होगा, घोटाला होगा, वहां पे कांग्रेस का कोई ना कोई नेता जरूर होगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। अब वो आज निकले कल निकले, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अंबाला से रोजी बैल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।